हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शर्मिष्ठा। आज मैं एक बहुत ही टेस्टी वेज रेसिपी लेके आई हूँ। उसका नाम है वेज नवरत्न करी। ये जो डिश है ये ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है। इसमें 9 टाइप्स के वेजिटेबल्स का यूज किया जाता है और 9 तरीके का स्पाइसेस भी यूज किया जाता है। होल स्पाइसेस भी 9 तरीके के होते हैं और पाउडर स्पाइसेस भी 9 टाइप्स के ही यूज किया जाता है। ये जो ग्रेवी है ये बहुत ही रिच है और क्रीमी है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप पराठा, नान, बटर नान, कुलचा, रोटी और राइस में जीरा राइस, पुलाव, कश्मीरी पुलाव, फ्राइड राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 9 टाइप्स के वेजिटेबल्स लिया है, जैसे कि आलू, बीन्स, गोभी, कैप्सिकम, बेबी कॉर्न, गाजर, हरा मटर मतलब ग्रीन पीस, टमाटर और पनीर। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 9 टाइप्स के होल स्पाइसेस लिया है, जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, स्टार अनीस और जीरा। पाउडर्ड स्पाइसेस में लगेगा जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली 1 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार। और लगेगा कसूरी मेथी, इसे ड्राई रोस्ट करके यूज़ करना है। लगेगा एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है कुछ किशमिश, काजू बादाम और अमंड बादाम। और इसके साथ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स। लिया है फ्रेश क्रीम और लिया है दूध। इस रेसिपी में पानी का यूज़ नहीं किया जाता है, जो भी ग्रेवी बनता है दूध से बनता है। और इसे मैं बनाऊंगी रिफाइंड ऑयल में। सबसे पहले मुझे 2 मसाले रेडी करना है। उसके लिए पहला मसाला के लिए मैं मिक्सिंग जार में ले लूंगी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देखिए, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। तो अब मैं दूसरा मसाला रेडी करूंगी। उसके लिए मिक्सिंग जार में मैं ले लूंगी खसखस, 6-7 काजू बादाम और अमंड बादाम। अमंड बादाम को मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब इसका जो स्किन है इसे निकाल के इसे यूज करूंगी। ये देखिए, मैंने सारे अमंड बादाम को ले लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। क्योंकि इस रेसिपी में पानी का यूज नहीं किया जाता है, तो ये मसाला बनाने के टाइम में भी दूध का ही यूज करूंगी। और अब मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए, मेरा दूसरा मसाला भी रेडी है। तो अब मैं रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई पे मैंने ले लिया है पानी और पानी को मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी, आलू, बीन्स, गाजर, मटर और बेबी कॉर्न। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी और 5 से 7 मिनट के लिए सारे वेजिटेबल्स को बॉईल करूंगी। चीनी को डालने से वेजिटेबल्स का कलर अच्छा रहता है, तो आप चीनी को जरूर यूज कीजिए। ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो गया है, तो अब मैं वेजिटेबल्स को निकाल लूंगी। अब मैं कढ़ाई पे ले लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें अब मैं काजू और किशमिश को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 2-3 मिनट के लिए इसका कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है। ये देखिए, काजू और किशमिश फ्राई हो गया है, तब मैं इसे निकाल लूंगी। अब उस सेम ऑयल में मैं पनीर को भी फ्राई कर लूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कच्चा पनीर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ्राई किया हुआ पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं फ्राई कर रही हूँ। और अगर पनीर फ्राई करेंगे तो उसके बाद इसको गर्म पानी में डुबो के रखिए, इससे पनीर सॉफ्ट रहता है। पनीर भी फ्राई हो चुका है। अब उस सेम ऑयल में मैं सारे खड़े मसाले ऐड कर दूंगी, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, स्टार अनीस और जीरा।
सारे मसाले को 15 से 20 सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा फ्राई करना है। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तब टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसे ऐड करना है। अब इसे तेल में 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है ताकि अदरक का जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। 5 मिनट बाद ये देखिए मसाले से तेल अलग हो रहा है, तो अब मैं इसमें जो बॉईल किया हुआ वेजिटेबल्स था उसे ऐड कर दूंगी। मिक्स कर दूंगी अच्छे से मसाले के साथ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसे ढक के 5-6 मिनट के लिए इसे पकने दूंगी। 5 मिनट बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी कैप्सिकम और सब कुछ और एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें जो काजू, अमंड और खसखस का पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी वेजिटेबल्स के साथ और 3-4 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाऊंगी। 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध, 2 कप से थोड़ा सा ज्यादा दूध मैंने इसमें यूज किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसे ढक के और 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट बाद ये देखिए सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर और फ्राई किया हुआ काजू किशमिश। मिक्स कर दूंगी सब कुछ अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला, फ्रेश क्रीम और ड्राई रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी। फाइनली सब कुछ अच्छे से एक बार मिक्स करूंगी और इसे ढक के 5 मिनट गैस का फ्लेम बंद करके स्टैंडिंग टाइम में रखूंगी। 5 मिनट बाद ये देखिए वेज नवरत्न कारी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए, तो मैं इसे सर्विंग बोल में ले लेती हूँ। ये देखिए टेस्टी नवरत्न कारी एकदम रेडी है। इसे आप किसी भी टाइप्स के इंडियन ब्रेड या किसी भी टाइप्स के चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो फॉलो करके इसे स्टेप बाय स्टेप बनाइए तो ये आसानी से बन जाएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।